बेटे के गुण सांप से मिलते हैं, उसमें जिद और इच्छाएं ज्यादा है। अगर धैर्य रखे तो वही भगवान है और धैर्य खो दे तो वही राक्षस है, किसी चट्टान या पत्थर की तरह सख्त है। उसको जो सही लगता है वो वही करता है, वो भगवान की दी हुई सलाह भी नहीं सुनता, पूरी ईमानदारी से लोगों की पहचान करता है। अगर उसे कुछ भी गलत लगता है तो वो उसके सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो मैदान छोड़ के नहीं भागता, खंबे की तरह कठो कितनी बार भी हारे पर खड़ा होकर वापस सामना करता है। गुण और शक्ति दोनों है उसमें, सब कुछ अच्छा है, मगर उसके अंदर एक जन्म जन्म का दोष भी है। क्या दोष है स्वामी? लड़की का दोष। आपकी बात सही है स्वामी, एक लड़की की वजह से उसका दिल टूटा, तब से वो बर्बाद हो गया। क्या आप उसे वापस सही रास्ते पे ला सकते हैं स्वामी जी? ये सब तो भगवान के हाथ में है बेटी। अभी आप ही मेरे भगवान हो स्वामी जी। ठीक है बेटी, मुझसे जो होगा वो मैं जरूर करूँगा, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो। भाई को फोन दो। और कितने दिन इंतजार करेंगे भाई, ढीले ना करके इसे यहीं मार देते हैं। नहीं, गिरे हुए को मारेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, और जब ये खड़ा होगा हम तभी उसे मारेंगे। ये लो बेटी, इसे अपने बेटे के गली में बांध देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एरिया में गर्मा गर्मी हो रही है, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं सर, सब नॉर्मल तो है। क्या बे, ठीक से बताएगा कि नहीं? लगता है तू पिछली मार भूल गया है। और तू क्या सर, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? तेरे में से कुछ लफड़े की बू आ रही है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, और तू अब मेरे सामने नाटक कर रहा है? तो लगा के दूं क्या? नहीं नहीं साहब, ऐसे मत करो सर, परसों ही तो मेरी शादी हुई है सर। तो क्या उसके बारे में बता। आपको पता है ना उस सेवन के बारे में, वो अनुपमा नाम की लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है सर, और वो उसके लिए हद से ज्यादा पागल है। वो भी प्यार करती थी उससे, लेकिन वो अभी सेवन का साथ छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है सर, और उसको सपोर्ट करने वाला सेवन का वो पुराना दुश्मन रैम्बो है सर, और इसी बात से तो सेवन का पूरा दिमाग खराब हो गया है सर। सेवन के साथ प्यार करने वाली लड़की कैसे किसी के साथ भाग सकती है? सर, इन लड़कियों के दिल में क्या क्या चलता है हम कैसे बता सकते हैं सर। लड़कियां पता नहीं कब यू टर्न ले ले, ये तो उन्हें भेजने वाला भगवान भी नहीं जानता है सर। तो आगे क्या होने वाला है? इसी बात की चर्चा पूरे एरिया में है सर। अगर सेवन अपने मेंटल स्टेट से बाहर आया तो ना ही वो रैम्बो को छोड़ेगा और ना ही उस लड़की को छोड़ेगा। सभी यही सोच रहे हैं सर कि इस घटना से सेवन खत्म होकर कहीं पागल ना हो जाए और कहीं कुछ गलत ना कर बैठे सर। ऐसी बातें हो रही है सर, आखिर में फाइनल क्या होगा ये पता नहीं है। अगर सेवन ठीक भी हो जाएगा तो भी अच्छी बात है सर, क्योंकि उसे अंडरवर्ल्ड तुरंत उठा लेगा सर। ऐसा क्यों? डॉन काले का मर्डर सेवन ने ही किया है सर। क्या डॉन काले का मर्डर सेवन ने किया है? हाँ, लेकिन ये बात बाहर किसी को पता नहीं है। मतलब एक और गैंगवार होने वाला है? ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं सर। अभी वो रैम्बो कहाँ है? अभी उसका पता नहीं है सर। और सेवन? सेवन उस लड़की के धोखा देने के बाद उसने घर बार दोस्तों और इस जगह को भूलकर पागल जैसे घूम रहा है कहीं सर। ठीक है, और जो लड़की भागी है वो कहाँ है? फादर, मुझसे गलती हुई है। कैसी गलती बेटा? जो लड़का मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उसे मैं धोखा देकर आई हूँ। धोखा? ऐसा क्यों किया बेटा? आप कारण मत पूछिए फादर, बस इतना बताइए कि इस गिल्ट से बाहर कैसे आऊँ, प्लीज। किए हुए पाप को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है प्रायश्चित। अगर तुम ऐसा कर पाती हो बेटा, तो तुम्हारे दिल की बेचैनी शांत हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। थैंक यू फादर।
होगा इसे? धोखा। किसने दिया? लड़की ने। तुम बेड़ो अंदर वाला मेटल है, तू अपना दिमाग मत चला, जल्दी से ट्रीटमेंट तल और निकल यहाँ से। अंडरवर्ल्ड का मैटर है, तू अपना दिमाग मत चला, जल्दी से ट्रीटमेंट दे और कल्टी मार। मैतल किसी को पता नहीं चलना चाहिए बाल। अगर पता चला तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रैम्बो कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सिस्टर, तू वहाँ कैसी है? अच्छी तो है ना? एरिया कैसा है? ठंडा है ना? मामला थोड़ा गर्म है। इस एरिया को भूल जाने में ही भलाई है सिस्टर, तुम लोग ऊटी में एंजॉय करो। और सेवन? वो खत्म हो चुका है, जब से तुम उसे छोड़कर चली गई हो तब से वो पागलों की तरह इधर उधर भटकता फिरता है। ऐसा लग रहा है कि उसका ठीक होना बहुत मुश्किल है सिस्टर, उसकी टेंशन लेना भूल जाओ, तुम बस वहाँ एंजॉय करो, हनीमून का मूड खराब मत करो और अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। अभी कहाँ होगा वो? तुम लोग तो अच्छे से हो, पर मेरा बेटा ऐसा क्यों हो गया है? माँ, वो प्यार में धोखा खाकर ऐसा ही हो गया है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। क्यों लोग इस उम्र में लड़की के प्यार के झूठे चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं? क्या है ये पागलपन? धोखा देने तेले तो ही प्याल नहीं तता, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लोग प्यार करते हैं, लेकिन कुछ कमीनी लड़कियां प्याल के नाम पे धोखा देके तली जाती है। माँ क्या बोल रहा है ये? इसने कहा धोखा खाने के लिए कोई प्यार नहीं करता माँ, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लोग प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां प्यार के नाम पर धोखा देकर चली जाती हैं, ऐसा ये कहना चाह रहा है। अभी मेरा बेटा कहाँ है? वो जहाँ भी है, उसके ठीक होने के बाद हम उसे घर छोड़ देंगे। अभी आप जाइए माँ। मैं उसे देखना चाहती हूँ। माँ आपसे विनती करता हूँ, इस परिस्थिति में आप उसे नहीं देख सकती, मेरी बात मानिए, आप यहाँ से जाइए माँ। पर अभी मेरा बेटा कैसा है? अभी कुछ मत पूछिए माँ, वो जैसा भी है उसे ठीक करके यहाँ लाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप जाइए माँ। तुम लोग जल्दी से जाकर उसे घर ले आओ। माँ वो अकेले तेजिया में आया तो लोग उसे उतारेंगे, वो दाँ है एकदम ठीक है। ये कह रहा है कि अगर वो इस एरिया में आया तो लोग उसे उठा लेंगे, वो जहाँ है वहाँ ठीक है। लड़की से धोखा खाया, उसकी जान को खतरा है, इसका मतलब मेरा बेटा बड़ी मुश्किल में है। आप अपने बेटे को नहीं जानती है माँ, वो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा माँ। वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा ये मानकर तुम दोनों बैठो मत, कुछ ना कुछ जाकर करो। माँ रो मत माँ, उसे ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है, आप जाइए माँ। मुझ पर ये एक उपकार कर दो बेटा। माँ चिंता मत करो, मैं हूँ ना, आप जाओ हम तब देख लेंगे। ये उसके गले में जाकर बांध देना बेटा। ठीक है माँ, अब आप जाइए। औरत को आज तक कोई नहीं समझ पाया है, अगर वो चाहे तो मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट जाता है। ऊपर वाले ने मर्द को सीने में, जांघों में और बाजुओं में भरपूर ताकत दी है, वहीं लड़कियों में वो ताकत उसके दिमाग में, खूबसूरती में होती है, इसीलिए वो अंदर से स्ट्रांग होती हैं और बाहर से कमजोर दिखाती हैं। मर्द बाहर से स्ट्रांग होता है लेकिन अंदर से वो भीगी बिल्ली की तरह होता है, क्योंकि मर्द को दर्द जरूर होता है। प्यार को हथियार बनाकर धोखा देने से मर्द की ऐसी हालत हो जाती है, ऐसी लड़कियां होती हैं सांप, धोखा देने वाली। जहां पानी नहीं है ना ही छत है, वहां ये गिरा पड़ा है। गले को गीला कर लेना। Na 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 na
पोताल? कहाँ गया होगा? यहाँ से उठकर गया है तो इसका मतलब वो रैम्बो को कहीं तोड़ रहा होगा। Yes, सेवन जिंदा है। अंडरवर्ल्ड को अलर्ट रहने के लिए बोलना। हेलो, सेवन उठ गया है। सेवन उठ गया? सेवन उठ गया है। He's a little man, get a bitch down, shake your back down. He's seven. क्या सेवन उठ गया? ये बोल रहा है सेवन उठ गया है। इतने ताले टायर पे गिलाया? उसका नाम ही सेवन है बे।
अभी कहाँ दया होगा? मुझे लगता है हजरत पहाड़ पर। क्या बे सेवन, कैसा हो गया तू? थू, तुझे ये सब करना था क्या? हाँ, तेरे आने की स्पीड तो ये बताती है कि तू अंडरवर्ल्ड पर राज करेगा। हाँ, छोकरी के चक्कर में तू तो पूरा बर्बाद हो गया रे सेवन। छोकरी के चक्कर में अब ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं रखा है। चुपचाप अपना काम कर और इस लव के चक्कर से निकल। प्यार, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में पड़ेगा तो देवदास हो जाएगा। लड़की को की तरह देखना चाहिए और उसी की तरह यूज करना चाहिए, तभी हम सेफ रह सकते हैं। इस लफड़े से निकल जा नहीं तो तू तो गया। अभी ऑलरेडी तेरा 90% खेल खत्म हो चुका है, और कुछ ही दिन ऐसे ही रहा तो 100% खुद को खत्म समझ। देख, अभी बोल देता हूँ, मुंबई निकल जा, सेफ रहेगा। यहाँ तुझे अखा अंडरवर्ल्ड ढूंढ रहा है, समझा? तू रिवेंज लेने उठकर आया है, ऐसा किसी को समझ आया तो तेरा पता साफ। हाँ, सोच ले। नहीं बदलेगा ना तू? अच्छा चल, बोल बोल, क्या करने आया है? क्या चाहिए तुझे? रिवॉल्वर चाहिए अजर। हैं? मैंने बोला रिवॉल्वर चाहिए। बाबू को घन चाहिए। क्यों चाहिए? जो लड़की धोखा देकर गई है उसका एनकाउंटर करने के लिए चाहिए। हाँ, रिवॉल्वर चाहिए अजहर, रिवॉल्वर चाहिए मुझे। ये ले, जर्मन मेड है, 6 कैप्सूल का, 4 loaded। अगर किसी को मारना है तो स्ट्रेट यहीं पर मारना, साफ हो जाएगा। ए, ए, फुल्ली लोडेड है, तो पागल हो गया क्या तू? ए, सेवन क्या कर रहा है? ये लोडेड है, छोड़ छोड़ छोड़, मेरी बात सुन। देख सेवन, तेरे साथ और मेरे साथ जो धोखा हुआ है वो धोखा कोई अलग नहीं है, समझा तू? जिस लड़की ने तेरा ये हाल किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने लड़कों की फील्डिंग लगा दी है, वो एरिया छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मिल जाएगी और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, समझा? तू कूल रहे सेवन। सिर्फ एक काम में साथ देना तू अजर। माँ कसम, वो कहीं भी मिली मैं उसे तेरे पास लाकर पटक दूंगा, उसे काट कर फेंक देना। तुम बस इतना करना अजर, कसम से जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। माँ कसम सेवन, मैं भी उसे अपनी आंख खोलकर ढूंढूंगा, वो जहां मिलेगी उसे उठाकर तेरे सामने फेंक दूंगा मैं, उसे छोड़ना नहीं। हाँ, चिंता मत कर दोस्त। देखा तुम लोगों ने सेवन कैसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है तुम्हें? कहीं दूर जाकर छुप जाओ तुम लोग, समझ गए? उसे किसी भी तरीके से ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की है। वो पहले ही मेंटल की हालत में है, उसे पता चल गया तो तुम्हारी भी शामत और मेरी भी शामत आएगी। सेवन की नाकाबंदी करने से पहले सतर्क हो जाओ। ठीक है, चलो। थैंक यू सर। मैंने इनकी मदद की है, ये सेवन को पता नहीं चलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। सुन लिया सेवन, श्याम बहुत कमीना है, किसी पे भरोसा मत करना। यस सेवन, 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 सेवन। यस
इस दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी लड़की ही होती है यार। एक लड़की की वजह से कितने सारे मर्डर्स होते हैं। थू, दारू का नशा कर लेना, पर लड़की का नशा खतरनाक है। नहीं कहा यार, लड़की और कलकी को सलाइन चलाना चाहिए। पहले ये बता, वो अभी दया कहाँ होगा? पक्का वो शास्त्री जी के पास ही गया होगा। चल ठीक है, जल्दी चल निकल। सातों जन्म तेरे साथ ही रह के जिएगी, ये जन्म काफी नहीं है। इतना प्यार करेगी तुझे कि तुझे अपनी आंखों में बसाकर रखेगी। तेरी आखिरी सांस तक ये तेरे पीछे साये की तरह रहेगी, समझा? तेरे दिल में रह के हमेशा तेरे दिल का ख्याल रखेगी। ये लड़की अपने प्यार के लिए अपनी जान भी दे देगी। अपना दिल, दिमाग और शरीर भी तेरे नाम कर दिया है। कलयुग की सती सावित्री है ये। अगर भगवान भी आकर कह दे कि मैं तुझे 100 या 150 वर देता हूँ, तो भी अपने प्यार को नहीं छोड़ेगी। इसके चेहरे पे कामदेव साक्षात दिखाई देते हैं। इसका प्यार तुम्हारे दिल की तरह बिल्कुल साफ है और इसके दिल में कुछ भी गलत नहीं है बेटा। ये तेरा हाथ आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेगी बेटा। तुम्हारे प्यार का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत ही अच्छा है। ऐसा शुभ मुहूर्त चल रहा है बेटा। तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख, कष्ट, कोई भी बाधा ना आए। हमेशा तुम लोग इसी तरह खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोग के साथ है। देख, कुछ पता नहीं चला, अभी तक क्लाइमेक्स को तो बाकी रखा है। दुनिया में किसी का भी भविष्य बताना, लेकिन प्यार करने वालों का भविष्य मत बताना, क्योंकि इनकी भविष्यवाणी तो भगवान भी नहीं कर सकता। तो फिर तू कौन सा बड़ा स्वामी है? चार पैसे मिलने के जुगाड़ में प्यार के बीच आया तो तू गया, समझा? अब जाकर अपने पूरे खानदान को भी ये बात बता दे कि अब से गलती से भी प्यार करने वालों को उनका भविष्य मत बताना, समझा? देखो, ये पेड़ यहाँ का हजारों साल पुराना पेड़ है। इसके सामने जो मांगो वो पूरा होता है, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। यहीं पर माँ ने मेरे लिए मन्नत मांगी थी, तब जाके मैं पैदा हुई। इस पेड़ को बहुत माना जाता है। आज मैं इस पेड़ को साक्षी मानकर कहती हूँ, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भर अपने दिल और जान से ज़्यादा प्यार करती रहूँगी। तुम्हारे अलावा किसी को आँख उठाकर भी नहीं देखूँगी। मरते दम तक तुम्हारा साया बनकर रहूँगी। प्रॉमिस, प्रॉमिस। जो होना था हो गया, उसे भूल जा। छोड़ कर जाना मेरी फितरत नहीं है, उसकी है। भाई मेरी बात सुनो, थोड़ा तहन तल्लो। सहन कर लो, ऐसा बोल रहा है। जो धोखा उसने मुझे दिया है, उसके आगे इतना बड़ा पेड़ भी नहीं टिक पाया। जड़ से ऊपर तक पूरा सूख गया।
मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूं। अब क्या करेंगे? उसे ढूंढेंगे। उसे हम ढूंढ के क्या करेंगे? ये बोल रहा है उसे ढूंढ कर क्या करेंगे? उसे ढूंढ कर पहले सामने खड़ा करो, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है उसका। तो इतने दिताय क्या करना है मेरे भाई? उतने तेले को धोखा दिया है, अब उसको दीने का कोई अकल नहीं है। अब उसके दीने का लाइसेंस खत्म हो चुका है। पहली बार इसने सही बात बोली है। ज्यादा सोचो मत, काम पे लग जाओ। ताले में पेट्रोल है, पॉकेट में बहुत सारे पैसे हैं, गाड़ी की तलवी तोड़ ली है, अब निकलते हैं। वो ऊटी में है यार। हमारे ऊटी पहुंचने तक हम कैसे थे, वो यहाँ कैसे आई और उसने क्या किया, ये सब याद कर ले यार। ठीक है, कर लेता हूँ। इस तरह से बस टिप टॉप यूनिफॉर्म पहन लेना काफी नहीं होता, किससे क्या और कैसे बात करनी है ये सब भी ध्यान रखना होता है। समझा क्या भी बुद्धू? देख अभी भी कैसे देख रहा है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है, खाना खाता है या मिट्टी? चल तेरा घर दिखा लो फिर। सुनो जी, इस प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर कौन है, बाहर आ जाओ जरा। कौन है बेटे तो, क्या हुआ? सुनो जी, ये आपका बेटा है, आप इसे अच्छे मैनर्स नहीं सिखा पाते, कैसे माँ बाप है आप? शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या बेटे, इसने क्या गलती की है? गलती क्या है, पूछिए अपने बेटे से। संजो, क्या किया तूने? ए जल्दी भौंक कि तूने क्या किया। आंटी टाइम क्या हुआ है, ये मैंने पूछा था। इतना ही ना, इसमें गलती क्या है बेटे? अंकल गलती नहीं दिख रही है तो चश्मा पहन लो। आप ही बताइए, 16 साल की लड़की को आंटी बोलेगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? देखो अपने बेटे को समझा देना कि अगर इसने दोबारा मुझे आंटी या घंटी बोला ना तो चड्डी उतार के बीच सड़क में घुमाऊंगी। इतनी गंदी लड़की है। ओ मेकअप वाली आंटी जी, बच्चा पैदा करके उसे रास्ते पर छोड़ देना बस माँ की जिम्मेदारी नहीं होती है। बच्चे को किसे आंटी बोलना और किसे दीदी ये भी सिखाना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। 24 घंटे सास बहू सीरियल देख देख के हाथी जैसे फूल जाना जिंदगी नहीं होती है। ए गौर से देख तेरी मम्मी को, ऐसे दिखने वाली औरत को आंटी बोलना और मेरे जैसी तीखी मिर्ची को दीदी, समझा कुछ? गोबर। कौन थी शिमला मिर्च? क्या देख रहा है, शादी करेगा क्या? हाँ करूंगा, और किस भी। शक्ल देखी अपनी, औकात में रह। ठीक से देख लो, छोटी उम्र का नहीं हूँ। देख ले शक्ल, औकात पता चल जाएगी। देख लो, हम दोनों का अच्छा मैचिंग है। एक काम कर, उस शीशे को अपने पास रख और उसी से प्यार कर। ऐसी लड़की रियलिटी में नहीं सपनों में ही मिलेगी तुझे। ये आंखें, ये खूबसूरती, ये जुल्फें भगवान ने लड़कियों को क्यों दी हैं? सिर्फ लड़कों के लिए। अपना वक्त जाया मत कर, हाँ कह दे। हाँ कहने से अच्छा है मैं जहर खा लूं। मेरे जैसी खूबसूरत लड़की ना तेरी किस्मत में नहीं है, इसीलिए मेरे पीछे दुम हिलाना छोड़ दे और अपने टाइप की लड़की ढूंढ ले, निकल अब। एसिड अटैक और रेप करना कहाँ से शुरू हुआ है जानती हो? लड़कियों में जो इस तरह के नखरे होते हैं ना, लगता है तुम्हें भी यही सब चाहिए। सिंसियरली मुझे हाँ कह दो, नहीं तो। हाँ नहीं बोलूंगी तो क्या कर लेगा? रेप। तब बता तू क्या कर लेगी? तो ईंट से मार दूंगी। हाँ? ऐसे जगह मारूंगी कि नामर्द बन जाएगा। किसके सामने खड़ी होकर ये बात कर रही है, पता है ना? टैबेन। छुआ तो हाफ मर्डर। इसने छुआ तो हाफ मर्डर, पर मैंने छुआ तो फुल मर्डर। कैसे? और पानी मिल जाए तो खाने के लिए अनाज अनाज बनता है। प्यार, लड़की और स्वार्थ, अहंकार मिलकर देता है धोखा। अगर पुलिस ने मारा तो लाठी का निशान रहता है, लेकिन लड़की ने धोखा दिया तो कोई निशान नहीं रहता। मम्मी डैडी पुलिस या फिर गुंडा, किसी ने भी मारा तो शरीर पर निशान रह जाता है, पर अगर लड़की मारे तो सीधे यहां दिल पर निशान रह जाता है। लड़का लड़की के शरीर से रेप करता है और लड़की
लड़के के दिल की भावनाओं से रेप करती है। शरीर पर रेप के सबूत तो मिल जाते हैं, डीएनए टेस्ट से प्रूफ मिलते हैं, पर दिल पर होने वाले रेप का कोई सबूत नहीं, और तो और ना ही कोई मेडिकल रिपोर्ट मैच करती है। कौन है बे तू? उससे प्यार करने से पहले तुझे पता था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और मैंने तेरी मदद की थी, लेकिन जब वो भाग गई, नाम, कपड़ा, पता, ये सब भूल गया, उससे धोखा खाने के बाद आखिर इन सब की क्या जरूरत? बोलता क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम है तुझे? आंख बंद कर। प्रॉब्लम तो पता चलेगी, वक्त आएगा। जब प्यार ही से प्यार लूट जाएगा। यहाँ पर 12 लाख रुपए हैं, सर्किल के लिए 4, सभी इंस्पेक्टर्स के लिए 1-1, तुम्हारे लिए 2, टोटल 10 है। होगा क्या भाई? ये बहुत बड़ा रिस्की मामला है, आप दिवाकर को जानते हो ना, वो बहुत बड़ा लॉयर है, ये केस बहुत मुश्किल है। अगर वो लॉयर है तो मैं डॉन हूँ, वो लॉ के साथ खेलता है और मैं जिंदगी और मौत के साथ। वो काला कोट पहनता है और मैं काला धंधा चलाता हूँ। उसे वादे करना आता है और मुझे हथियार चलाना आता है। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये पैसा उठाओ और अपने डिपार्टमेंट को शांत रखो, मैं बस इतना ही चाहता हूँ, उसके बाद जो होगा वो हम देख लेंगे। सबको पैसे पहुंचाओ। तुम गलत पैसे को गलत जगह पर रख रहे हो, होशियार है ना? लोगों को इसे छूने में भी शर्म आनी चाहिए, इसीलिए इसे यहाँ रखा है जहाँ सेफ है। शिवा, वहाँ की क्या कंडीशन है? लड़कों की फील्डिंग लगा दी है। किसी नए बैट्समैन को ओपनिंग के लिए भेज देना। 7 को भेजू क्या? 7? हाँ, अटैकिंग प्लेयर है। क्या वो 2 बॉल पर 10 रन मारेगा? 12 मारेगा भाई। तो भेज दे। फोन उठा बे। हाँ हेलो, 7 आने वाला है। 7? होशियार रहना। ये 7 कौन है बे? आजकल अंडरवर्ल्ड में काफी नाम सुनाई दे रहा है। 7 वो यहाँ आएगा। ये है क्या? तो फिर 7 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
ये है क्या? जल्दी बता कौन है ये सेवन? He's a little man, get a bitch damn, shake it back again. He's seven, ta ta, ta ta, ta. ये हाइट और पर्सनालिटी लेके भीड़ में घूमता है। मैं तुझे अपने बाएं हाथ से ही मार सकता हूँ। ताकत हाइट और पर्सनालिटी में नहीं होती, जिगर में होती है। Hmm.
मेरा है ये कहकर बहुत उड़ रहा है वो, उसका क्या करना है बोल दो। दोनों भाई होते उठा लेते हैं। नहीं, ध्यान देते हैं। मेरा, सिर्फ मेरी हवा है, यहाँ कोई नहीं उड़ सकता, ये मेरा एरिया है। भाई वहाँ पे देखो। क्या बे, ये सिर्फ एरिया मेरा है। हे, बोलना। हाँ, हाँ? यहाँ हवा किसी की नहीं है। यहाँ जो फैन जैसे घुमाता है, हवा उसी की है। कल तक जो हवा किसी और की तरफ थी, आज वही मेरी तरफ है और कल किसी और की तरफ होगी। यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं है, इसलिए ये बात भेजे में उतार ले। हेलो, हमारे बॉस ने फूल लेकर भेजा है। अबे कौन है तेरा बॉस? कौन वो? तो फिर ये है क्या? अबे तो फिर कौन है तेरा बॉस? अबे कौन है ये? बिल्कुल काली भैंसा जैसा दिखता है। बड़ी कहानी छोटी करते हैं, पास आ सकता हूँ क्या? अगर दांत साफ किए तो आ सकता है। डोंट वरी, मैं कोयले से दांत साफ करता हूँ। और मेरे शिष्य ने तुम्हें मेरे बारे में बता ही दिया होगा, मतलब मैं उन्हें वापस भेज सकता हूँ। चलो निकलो। कौन है बितू? मुन्ना, सन ऑफ मुजीबुदुल्ला खान, ग्रैंड सन ऑफ इजाजीदुल्ला खान। और आप कौन? हवाई, डॉटर ऑफ बाटा, केयर ऑफ पैरागॉन, सिस्टर ऑफ लूनार्स, नेबर ऑफ एडिडास एंड रीबॉक। तब तो चप्पल और जूतों की दुकान खुल जाएगी। बहुत फास्ट हैं आप। क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? आप औरत बड़ी हैं, मस्त मस्त। हेलो, औरत नहीं, लड़की हूँ। हाँ, आप लड़की हैं इसीलिए मैं आपके पास आया। लाइफ सेट हो सकती है अगर आप एक बात कहें। क्या? मैं आशिक हूँ तेरी उड़ती हुई जुल्फ का। इश्क, प्यार और मोहब्बत मेरे रोम रोम में भरे हुए हैं। अगर कहो तो कवि बन जाऊं, मेरी कविता? नहीं। हाँ, जब भी लड़की कहे ना तो समझो तुम्हारे लिए है हाँ। मुझे कॉलेज की दिनों की याद आ गई, जब 2-4-6 लड़कियां मेरे पीछे पीछे घुमा करती थीं। लेकिन मेरा सुंदर चेहरा तुम्हारे बदन के लिए बना है। बोलो वाह, तुम्हारे पगार का समय हो गया। यस, इस खूबसूरत त्वचा पर सूखे हुए फूल भी झंझनाते हुए खिल उठेंगे, ये बदन देखकर मेरा दिल हो गया। वाह, तुम्हारी लिपस्टिक का ये लाल रंग कहीं मुझे अंधा ना बना दे। ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो बाबा। इश्क में हुआ मैं दीवाना, तूने नहीं जाना मैं तेरा परवाना। जैसे तेरा थोबड़ा नल्ला है ना, वैसे तेरी कविता भी बिल्कुल बकवास है। तुम करो वार और मैं वाह 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 करूं प्यार। और जो तेरे चेले हैं ना, वो तुझसे भी नल्ले हैं। ये बात तो है। चलो मन की बात बताता हूँ। कौन सी बात? वो तो रेडियो पर आता है, लेकिन अपुन तुम्हें चॉकलेट खिलाता है। आई लव इट। चाट चाट के खत्म कर दो प्लीज। पागल है क्या? यस। इस लॉलीपॉप को जैसे ही देखता हूँ मेरा मन करता है चाट के खत्म कर दूं। तो कर देना। कैसे बताऊं? एक रसगुल्ला खरीदने के बाद 2000 का नोट हो जाता है खुला। हाँ तो क्या करूँ? यस। फिर अब क्या करना है? क्या करना है मतलब? हेलो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तुम्हें जो चीज पसंद है लेकर आया हूँ कि नहीं आया हूँ बोलो। हाँ, लाए हो तो क्या? हाँ ठीक, ऐसे ही तुम्हें अपनी पसंद की डिशेस मुझे चखानी होंगी। प्लीज अपना टिफिन खोल के दिखाओ। पागल है क्या? मैं क्यों दिखाऊं? अगर तुम अपने टिफिन को खोल कर मुझे नहीं दिखाओगी तो मैं अपने जादू से तुम्हें अपने वश में कर लूंगा। तुम्हारी उंगली इतनी सॉफ्ट है तो तुम खाना भी अच्छा बनाती होगी। खिला दो ना प्लीज। नहीं दूंगी। क्या कर लेगा? क्या करूंगा?
अच्छा तो तुम मुझे जानती नहीं। हे, अब जल्दी जान जाओगी। मैजेस्टिक मार्केट, शिवाजी नगर या गौरी पहिया, हर जगह मेरे टॉयलेट्स हैं। लोग अंदर बैठकर प्यार से चिट्ठियां लिखते हैं। यहाँ वहाँ हर जगह उनके प्यार की खुशबू उड़ती रहती है। मुझे तुम हाँ कर दो वरना टॉयलेट के बाहर दूंगा धरना। हाँ तो दे देना, मुझे क्या। ए, लगता नहीं रिजेक्शन से डर, कभी भी आ मेरे घर। वाह। साइकिल से चलो या बस में चलो या चलो तुम ट्रेन में, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा रहूंगा खाली अच्छे दिन में। वाह। तुझसे मैं प्यार करता हूँ बताऊँ कैसे, जैसे बिस्तर का खटमल खून चूस लेता है वैसे। तेरे साथ रहता हूँ तो लगता हूँ बीमार, चुम्मा दे एक बार। 11 मुल्कों की पुलिस भी आ जाए तो तेरा आशिक खा जाएगा 11 गोलियां। ज्यादा टेंशन मत लो, जो होना था वो हो लिया। मेरा फूल वापस करो। मुझे लगता नहीं कि तुम हो इसके काबिल, जो होगा इसके काबिल उसके सीने पर होगा तिल। सोचा था मैंने तुमसे प्यार करूंगा, दो मीठी बातें करूंगा, लेकिन अब तो लगता है तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताना ही पड़ेगा। ए, तुम्हें मेरे प्यार को कबूल करना ही होगा। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, क्योंकि मैं हूँ आशिक, आशिक आवारा। मुझे लगा तू टाइम पास ही कर रहा है, इसलिए मैंने भी सीरियसली नहीं लिया। पर अब जो तूने दिल पर मेरा नाम बनवा कर ये जो हरकत की है ना, इसलिए अब सीरियसली बोल रही हूँ। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि कल को तू मेरे प्यार में पागल वागल हो जाए। क्लियरली एक बात बताती हूँ, मैं तुझे ना पसंद करती हूँ ना लव करती हूँ। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बारिश, प्यार भी नहीं बचा, जज्बात भी नहीं बचा। संजू वेड्स गीता, प्यार के साथ जान भी नहीं बची, बंधन निराशा। खून से चित्रा की अंजलि का एनकाउंटर, हिट सिनेमा में जब प्यार ही नहीं बचा तो साला जिंदगी में प्यार मिलेगा क्या, पागलपन। पागलपन है सब पागलपन, जो प्यार करता है मरता है। डिस्काउंट प्यार जो है सच्चाई नहीं ढूंढता, क्योंकि प्यार अंधा जो होता है। मैंने गलत कहा क्या? भूल जाओ उस लड़की को,
सुनो, हमारी आंख जब खुद को नहीं देख सकती तो वो हमें समझेगी कैसे? जो सच है वो आज है, कल किसने देखा है? मेहनत करो तो कुछ भी हो सकता है। अपने हाथों का खुद को फायदा, किसी और को नहीं, यही जिंदगी की सच्चाई है जिससे तुम प्यार करते हो ना, वो तुम्हें मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ज्यादा सोचना क्यों है ये सब भ्रम है। किसी को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जो तुम्हें मिलने वाली नहीं है उसके बारे में सोचना ही क्यों? तुम खुद को तकलीफ क्यों देते हो? किसी को छोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन साथ निभाना बहुत मुश्किल। जो नहीं मिलने वाला है उसी को छोड़ने की बात कर रहा है ना? वैसे भी जिसको जो चाहिए होता है वो उसे नहीं मिलता, वो कोई सोने की चिड़िया थोड़ी है। छोड़ दे उसे भाई। भाई थुन, ये तो प्लान देव के बारे में बोल रहा है, मेरी तो तमत्ते बहाल है, तुम भी मत पलो इस टक्कर में। तब ते तुमने उस लड़की ते धोती की है, तब ते मैं तुम्हारी आंखों में आंतू ही देख रहा हूँ। भाई मुत्ते अब तेली हालत देखी नहीं दाती, तोल दे होते मेली मान। तुम्हें एक जिंदगी की सच्चाई बताता हूं, अगर हम मर्दों को खुशी और शांति के साथ रहना है, प्यार नाम के इस कीड़े को दिमाग से निकाल देना चाहिए। हमारे पेट को चाहिए खाना और गले को चाहिए एक बहाना। हमारी आंखों में आशा नहीं होनी चाहिए, अगर मन में शक है तो छोड़ दे, और अगर प्यार में दुख है तो वो सिर्फ आज है। मेरी बात को तू समझ ले, मुझे उस समय किसी ने ऐसी सलाह नहीं दी, इसीलिए मेरी ऐसी हालत हो गई है। कहीं प्यार तुझे खिलौना ना बना दे। देखेगा तू है? अच्छा नाचता है ना है? मेरी बात को समझ मेरे भाई, वरना बर्बाद हो जाएगा, किसी का खिलौना बन जाएगा। लेकिन तू तो होशियार है ना हा? लड़कियों के प्यार से ज्यादा हमारी जिंदगी जरूरी है हा? जीवन, जिंदगी से प्यार कर। लड़की को खुशी देने से ज्यादा अपने आप को खुशी दे, जिंदगी जी ले। अगर कोई अपने पीछे भगाए ना तो उसे छोड़ दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तुझे भूल जाएगी। हाँ छोड़ दे उसे पगले, छोड़ दे उसे मेरे भाई, थोल दे उसे। मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, हाथ धोलता हूँ, थोल दे यार, छोड़ दे उसे। लड़की से धोखा खाने की वजह से मेरी ये हालत हो गई है, मैं एक नमूना बन गया हूँ, जीता जागता नमूना। लड़की के ना कहने के बाद भी तू उसके पीछे पड़ा है, मेरी जैसी हालत हो जाएगी। हाँ मुझसे बढ़िया एग्जाम्पल तुझे कहाँ मिलेगा मेरे भाई? तुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करने में मजा आ रहा है क्या? छोड़ दूंगा। छोड़ दिया उसे, छोड़ दिया हमेशा के लिए। प्यार ने प्यार को मार दिया। आपके बेटे को जरा बुलाएंगे क्या? तुम कौन हो बेटी? सेवन आपका ही बेटा है ना, जिससे वो प्यार करता है वो हूँ मैं। चंद्रू, चंद्रू, मैं तुझसे प्यार करूंगी, और मेरे प्यार के लिए तू क्या कर सकता है? क्या करेगा भाई? चाहे तो जान भी दे दूंगा। तू अपनी जान मत दे, लेकिन तुझे किसी और की जान लेनी है, कर पाएगा? किसकी जान लेने के लिए बोली वो? ये कौन है पता है तुझे? अंडरवर्ल्ड का डॉन है, कितना खतरनाक इंसान है पूरी दुनिया को पता है, ये पूरे का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इससे डरता है, और तू उस लड़की के लिए इसे उठाएगा? चल वो सब जाने दे, इसे क्यों मारना है ये बताया उसने? क्यों मारना है?
मैं तुझे प्यार कर रही हूँ उसके पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है। ठीक वैसे ही तुझे उस डॉन को मारना होगा बिना किसी मकसद के, तुम्हें ही करना होगा अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो। कर सकते हो ना? वो लड़की हमसे गेम खेल रही है, माँ कसम इसमें कोई धोखा है नहीं दोस्त, ये मैटर यहीं भूल जा, कुछ सही नहीं लग रहा मुझे। ये देखो ये हाथ धोके मेरे पीछे पड़ा है, मैंने सोचा था तुझसे प्यार करने वाली लड़की पर कोई नजर डालेगा तो तू उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू इसे खत्म कर देगा। तूने इसे खत्म नहीं किया तो ये मुझे बर्बाद कर देगा, उसकी नजर अभी भी हर वक्त मुझ पर है। हवस की नजर से देखने वाले के हाथों बर्बाद होने से अच्छा है जो मुझे सच्चा प्यार करता है जाकर उसी का हाथ थाम लूं। बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, इस डॉन को खत्म करने का पावर सिर्फ तुम में है और किसी में नहीं, बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ सेवन। मरते दम तक मैं तुम्हारा साया बनकर रहूंगी, कहो इस डॉन को खत्म करके तुम मेरी जिंदगी बचाओगे क्या? मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, बचा पाओगे मुझे? मैं खुद बखुद तेरे पास नहीं आई थी, तू खुद मेरे पास आया था, पर मैं अभी हाँ बोल रही हूँ। मेरी ये विश पूरी करके तुम्हें साबित करना होगा कि तुम मेरे लायक हो कि नहीं। तेरा जूठा खाकर अपना पेट भर लूंगी, तू जैसे रखेगा वैसे रह लूंगी, मरते दम तक तेरी हर बात मानूंगी, जिंदगी भर तेरी ही बनकर रहूंगी। बोलो करोगे? इतना क्या बोला पता है, लड़कियां लड़कों को दो तरीके से बर्बाद करती हैं, पहले उसकी मर्दानगी को ललकाल के दूतला लव सेंटीमेंट के नाम पर, देता तो तुम्हें पता ही है भाई, फिर क्यों इतना तोतले हो? हमारी इतना बोलने के बाद तू शांत खड़ा है तो इसका मतलब है तू उस लड़की के लिए उस डॉन को उठाने के लिए तैयार हो गया है। मेरे भाई एक लड़की के लिए अपनी जान क्यों दे रहा है? भाई ऐसा कुछ मत कर, हम दोनों ने तुझे कितनी बार समझाया फिर भी तू चुप है, इसका मतलब तू उस लड़की के लिए रेडी हो गया डॉन को मारने के लिए। लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है ये तो बहुत गलत कर रहा है। तो सुनो, भूख में और प्यार में सब जायज है, कुछ गैर नहीं। भाई तू उस लड़की के लिए ऐसा खतरा लेने जा रहा है? भाई उस लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया? भाई तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम बात ये बताओ करना क्या है? भाई ये पूछ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए? उस डॉन को उठाने का प्लान करते हैं। सारे हथियार रेडी कर दिए तुम लोगों ने, सिर्फ एक रिवॉल्वर और 6 बुलेट, उसके पास कितने लोग होंगे, कितने हथियार होंगे, कितने बुलेट्स होंगे, ये सब कैसे फेस करोगे? आंध्रा के विनोद रेड्डी को जब से उसके राइट हैंड ने शूट किया है उसके बाद डॉन काले अपने गैंग के किसी भी आदमी के पास रिवॉल्वर नहीं रखता, वो हथियार अपने पास ही रखता है। फिर भी वो एक खतरनाक डॉन है, याद रखना। वो बड़ा डॉन है ये तुम्हें पता है और मुझे पता है, लेकिन इसे नहीं पता ट्रिगर खींचूंगा तो किसी के भी सीने को ये चीर देगी। शिवा मैं लॉयर के बोल रहा हूँ, काले का मैटर सुन के मैं तंग आ गया हूँ, मेरे पास इसके लिए पैसा और पेशेंस दोनों नहीं है, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या? तुम जिस वक्त बोलो जहां बोलोगे मैं अकेला आऊंगा, श्योर भरोसा कर सकते हो 100%। सुबह 10 बजे। ओके। भूख सिर्फ एक वक्त में आदमी को मारती है, साइनाइड जो खाता है वो उसे खाकर मर जाता है, जहर जो पीता है उसे ही मारता है, सुसाइड जो करता है मरता भी वही है, और युद्ध जो लड़ते हैं सिर्फ वही मरते हैं, लेकिन प्यार जिसे चाहे मार सकता है। तो प्यार को भूल जा, ये अच्छे खासे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है।
हाँ बोल। आ गया, हथियार वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, भेज दे। सेफ है, उतर सकते हैं। पुलिस हो या मिनिस्टर हो, डॉन से पंगा कोई नहीं ले पाता। कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। ये बात तेरे दिमाग में पहले नहीं आई थी ना, पर डोंट वरी, अब आ गई ना। अच्छा किया। तेरा कॉन्फिडेंस देख के लगा था जंग बराबरी की होगी, लेकिन मौत का डर किसी को भी घुटने टिकवा देता है। तुझे उठाने के लिए मैंने मलेशिया से शार्प शूटर्स को बुलवाया था। पर तूने सही वक्त पर कॉम्प्रोमाइज करके अपनी जान बचा ली है। अब तो पूरी तरह सेफ है। मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और लॉयर बना। मेरे पीछे मेरे घर में मेरी बीवी और बच्चे हैं, और साथ में माँ भी। सिर्फ एक ईगो के लिए मैं अपने पूरे परिवार को खोना नहीं चाहता। तेरे से लड़ाई करने से अच्छा मेरा जिंदा रहना है। रोशनी का शौक रखने वालों को कभी अंधेरों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज इज द बेस्ट वे टू लिव। मैं कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हूं। उस साइट से मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और 10 लाख कैश। डॉन से कॉम्प्रोमाइज करना हमेशा महंगा ही होता है। मंजूर है? रेडी। साइट पेपर्स और कैश लेके आए हो? हाँ लाया हूं। तो दो। डॉन बनकर घूमने वालों की कहानी इतनी ही है। अनुपमा, तुम्हारे इरादे क्या हैं? मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है। हम दोनों शादी के बारे में भी सोच रहे हैं। आप हाँ बोलो तो भी ठीक, और अगर ना बोलो तो भी ठीक। इस तरह के खुले खुले कपड़े पहनकर तुमने मेरे बेटे को प्यार में फंसा लिया। दिमाग बंद करके दिल से मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें भी फंसा सकती हूँ। ट्राई करना है अंकल। सिर्फ 2 सेकंड में तेरी आवाज के साथ तेरी सांस भी बंद कर दूंगा। मुझे मारने के बाद आपका बेटा भी उसके अगले ही पल मर जाएगा। इतना पागल हो चुका है वो मेरे प्यार में। प्यार एक ऐसी ताकत है जिसके सामने दुनिया का कोई भी हथियार काम नहीं करता। ये सब खिलौना दिखाकर मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए अंकल, कोई फायदा नहीं होगा। अठारह साल
साल तक बच्चे अपने माँ बाप की सारी बात सुनते हैं और 18 साल के बाद माँ बाप को बच्चों की बात सुननी पड़ती है। अभी आपका बेटा 24 साल का हो चुका है, 24 years old। चुपचाप मेरी बात मान लो और शादी के लिए हाँ कर दो, हम भी खुश रहेंगे और आपका बुढ़ापा भी अच्छा कटेगा। लाइफ में कितने पैसे देखे हैं तुमने? क्यों, तुमने आज तक जितने पैसे देखे होंगे उसका 10 गुना बढ़ाकर मैं तुम्हें इस बैग में डालकर दे सकता हूँ। आप इतने पैसे तो दे देंगे, लेकिन अगर आपके बेटे से शादी करूंगी तो 100 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। ऐसा चांस भला कोई मिस करेगा क्या? कभी नहीं। अभी इज्जत से समझा रहा हूँ कि मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जा, वरना मैं क्या उखाड़ लोगे। विनय देशपांडे, बिजनेसमैन। अच्छा, बोलिए क्या काम है? मुझे कोई खून खराब नहीं चाहिए, बस उस गरीब लड़की को मेरे बेटे से बचाना है। मुझे मेरे बेटे को उससे दूर कर दो इमीडिएटली। और ये डील आपको खुद हैंडल करनी होगी। करेंगे। तुम्हारे लोग नहीं जाने चाहिए, प्लीज। ये डील मैं खुद हैंडल करूंगा। इस डील के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे नहीं पता, इसलिए मैं एक ब्लैंक चेक लाया हूँ। इसे भरकर मेरे पास भेज देना, आपको पैसे मिल जाएंगे इन वन शॉट। ये ब्लैक की दुनिया है, यहाँ ये सब बिल्कुल नहीं चलता, कैश चलता है। डेबिट कार्ड 25 लाख तक विड्रॉ कर सकते हो 24 आवर्स में। पिन नंबर है 2235। वो लड़की वैसे मिलेगी कहाँ? राहुल, मेरी आंखों में आंखें मिलाकर कहो, तुम्हारे पापा, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी रिचनेस बड़ी है या अनुपमा का प्यार बड़ा है? मेरे लिए तो तुम्हारा प्यार ही सब कुछ है। तुम मरते दम तक मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? नेवर। ऐसा है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ पर? मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में। व्हाई? मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा राहुल, चलो हम लोग रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं। बट अनु, इट्स अ... अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अनु, what do you mean? I will come. नॉलेज अच्छी है तेरी, गुड। हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो सर? तो इस लड़की से प्यार नहीं कर सकता? पर क्यों सर? वो जाके तेरे बाप से पूछ। ए, नीचे उतर। नहीं उतरूंगी। अगली सीधे तेरे भेजे में उतरेगी। जब तक तेरा बाप तेरे लिए कोई अच्छी लड़की नहीं ढूंढ लेता, तब तक ये तेरी बैक सीट खाली रहनी चाहिए, समझा? वरना तुझे हैंडीकैप कर दूंगा। सर, मैं इस लड़की को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ सर। और तेरा बाप तुझसे इससे ज्यादा प्यार करके बड़ा किया उन्होंने तुझे, अपने भेजे को काम मिला, समझा? सर वो प्लीज। ए, गाड़ी स्टार्ट करेगा या ट्रिगर दबाऊं मैं? गियर लगा, अब हैंडल राइट घुमा। आज से तू जहां भी जाएगा मेरे आदमी तुझे फॉलो करेंगे। अगर तूने इस लड़की से गलती से भी मिलने की कोशिश की तो भंगार कर दूंगा तुझे, और इस लड़की का रेप और मर्डर हो जाएगा। चला बैक्सीटर दबा। गंदी नाली में पैदा होने के बाद महलों के सपने देख रही है, अपनी चमड़ी दिखाकर अमीरों के बेटों की लाइफ से खेलती है। बहुत अच्छी प्लानिंग है तेरी, लेकिन जो उन अमीरजादों को बड़ा करते हैं वो उन्हें बचाने के लिए हमें डील देते हैं, और डील करने के बाद काम तो करना होता है। तेरा मैं वो हाल कर दूंगा कि देखने वाला पहचान नहीं पाएगा कि तू लड़की है, गली में पैदा हुई है। औकात से आगे मत निकल, वरना गिल्ली डंडा खेलूंगा।
अगर आज के बाद तू उस लड़के के आसपास भी नजर आई ना। वो लोग कहने के तुम्हें उसे भूल जाना होगा सिस्टर। मैं भी तुमसे यही कहूंगा सिस्टर, वो डॉन बहुत खतरनाक और कमीना है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता भी हूँ। फोकट में इस प्यार की वजह से उस डॉन से पंगा लेना बेवकूफी होगी। मेरी बात मानो सिस्टर, चुपचाप यहाँ से तुम चली जाओ और उस लड़के को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ सिस्टर, किसी और को ढूंढ लो। देखने के लिए तो हजारों लाखों लड़के मिल जाएंगे, लेकिन जो सारी जिंदगी हमारा ख्याल रखे और पैसे की कभी कोई कमी ना हो, ऐसी लग्जरी लाइफ देने वाले लड़के बहुत कम होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं उसी से करूंगी। तुम उसे खोना नहीं चाहती? कहना क्या चाह रही हो तुम? मैटर छोटा नहीं है सिस्टर, ऊपर से उस डॉन की एंट्री भी हो गई है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम प्लीज उसे भूल जाओ सिस्टर। स्लम लाइफ जी जी कर बहुत थक चुकी हूँ मैं, बस हुआ। इसलिए एक अच्छी लाइफ जीऊँ ये सोच कर इतनी मेहनत करके मैंने उसे अपने जाल में फंसाया है। अभी कोई और आके मुझसे उसे छीन ले तो मैं चुप बैठूंगी क्या? लेकिन वो ये सब देख के तो डर चुका है सिस्टर। उसे कैसे पावर डोज देना ये मुझे पता है, अपने लव डोज से। तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो डॉन जब तक है ना तब तक उस लड़के को हिम्मत नहीं आएगी सिस्टर। जब तक डॉन जिंदा रहेगा तब तक उसमें हिम्मत नहीं आएगी ना, और वो मर जाए तो फिर तो आ जाएगी ना। तुम कहना क्या चाहती हो सिस्टर? अगर डॉन चाहे तो कुछ भी कर सकता है क्या? जब एक लड़की अपनी औकात पे आती है ना तो अच्छे अच्छे डॉन की छुट्टी हो जाती है। लगता है आप बहुत बड़ी गलती करने जा रही हैं सिस्टर। इंसान के लिए भूख और प्यार में सब कुछ जायज है, वो चाहे सही हो या गलत। साथ दोगे मेरा? बताओ क्या करना है सिस्टर। तुम्हें बस इतना ही काम करना होगा, कुछ भी करके राहुल से मिलवा दो मुझे। अंडरवर्ल्ड उसके पीछे है, हर पल उसके मूवमेंट पर वो उसे फॉलो कर रहे हैं सिस्टर। तुम चाहे कुछ भी कर लो, उससे मिलना मुश्किल है। टॉयलेट में भी फॉलो करेंगे क्या? तुझसे मिलने के लिए एक लड़की होकर मैं जेंट्स टॉयलेट तक में भी आ सकती हूँ। राहुल मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, इससे भी ज्यादा प्रूफ चाहिए क्या? अनु, वो डॉन कितना डेंजरस है शायद तुम्हें पता नहीं। अगर गलती से भी मैं अपने डैडी से बच भी जाता हूँ पर मैं उस डॉन के हाथों नहीं बच पाऊंगा। ऐसे प्यार को बचाने का क्या फायदा जिसके लिए मैं हैंडीकैप्ड हो जाऊं या फिर तुम्हें कुछ हो जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। कुछ होने से पहले ही हार मान लिया तो कैसे चलेगा राहुल, हम प्यार को बचा पाएंगे क्या? ये डॉन हमारे प्यार के बीच में रोड़ा बन गया है, हम अपने प्यार को कैसे बचाएंगे अन्नू? इट्स हाईली इम्पॉसिबल। डॉन की कोई भी बात को हम इतनी इजीली नहीं ले सकते अन्नू। तुझे बस उस डॉन का ही डर है ना? उस डॉन की कहानी मैं खत्म करूंगी, फिर तुम उससे शादी करोगे ना? अन्नू तुम ये क्या बोल रही हो? डॉन की कहानी खत्म, इसका मतलब क्या है? वो भी एक लड़की होकर? मैं तुझे किसी भी कंडीशन में खोना नहीं चाहती, उसके लिए चाहे कोई भी रिस्क लेना पड़े। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल अनु? गेम, लव गेम। लव गेम से हम सबकी काया पलट सकते हैं राहुल। हमारे एरिया में एक लड़का मुझे पागलों की तरह प्यार करता है, अगर मैं उसे हाँ बोलूँ तो वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसे सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार चाहिए, मैं उससे प्यार का नाटक करके हमारे बीच के डॉन की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तुम ये गलत कर रही हो, किसी के फीलिंग्स के साथ भी खेलना गलत है। हमारे साथ भी तो यही प्रॉब्लम हुई है राहुल, हमारे बीच में टांग अड़ाने वाला वो डॉन कौन होता है? वो चंद पैसे के लिए हमारी लाइफ में एंटर होकर हमारे प्यार के साथ खेल रहा है, तो मैं अपने प्यार को बचाने के लिए किसी और की लाइफ में एंटर होकर खेल खेलूंगी तो इसमें गलत क्या है? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते और हमें हमारा प्यार बचाना होगा राहुल, नहीं तो इस प्यार का क्या मतलब? जब वो डॉन अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है तो मैं भी अपने प्यार को बचाने के लिए किसी की लाइफ के साथ खेल सकती हूँ। बस हमारा प्यार बचना चाहिए, हम दोनों को अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए, बस इतना ही। एक की जिंदगी से बढ़कर दो इंसान का प्यार है राहुल, तू हिम्मत मत हारना। हमारे प्यार के बीच में आने वाले उस डॉन को तो मैं देख लूंगी, तेरे बाप को कैसे फेस करना है तू देख ले राहुल। अगर ज्यादा रिस्क लग रहा है तो दूर जाके जीने के लिए तुम क्या कर सकते हो देख लो, उस डॉन की कहानी खत्म करके मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। पर जो भी हो,
हमारे प्यार के लिए बलि कौन चढ़ेगा? 7 राहुल, तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा क्या? आज के बाद हमारे प्यार के बीच कोई नहीं आएगा। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डॉन का मर्डर हो चुका है। आई लव यू राहुल, आई लव यू। चर्च के पास मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। टाइम पे आ जाना। आई लव यू। ए, हमाला भाई तुम्हारे लिए डॉन को माल कराया है। आते तो उसके साथ और अभी ते उसके प्याल करके उसका दूता खा के उसकी तारीफ तय पूरी करके उसकी तेवा करके उसकी बीवी बनकर लेना होगा, नहीं तो इस पेपर में पोतू आएगा। जानती हो ना कहते, प्लांट पेज पे तेला बला बला पोतो, इतनी बली पोतो। उसने क्या कहा पता है? हमारा भाई तुम्हारे लिए उस डॉन को मारकर आया है। आज से तू उसके साथ और अभी से ही उसे प्यार करके, उसका झूठा खाके, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करके, उसकी पूरी उम्र सेवा करके उसकी बीवी बनकर रहना होगा, नहीं तो ऐसे ही पेपर में फोटो आएगा। तुझे पता है ना कैसे? जैसा इन्होंने कहा, तुम्हें मेरा झूठा खाने की जरूरत नहीं है और ना ही सेवा करने की जरूरत है। बस मरते दम तक मुझसे प्यार करती रहना, इतना ही काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। बैठो बैठो, बोला ना। आई हनीमून खत्म करके आना, तोला तमल के हमारी चिंता मत करना। तुमने जैसा कहा था, तुम्हारी बात की कदर करके मैंने सब कुछ किया और तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ ये आज प्रूव करके तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अभी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो ये तुम्हें प्रूफ करना है। दम है तुम में? देखो, ये पेड़ यहाँ का हजारों साल पुराना पेड़ है। इसके सामने जो मांगो वो पूरा होता है, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। यहीं पर माँ ने मेरे लिए मन्नत मांगी थी, तब जाके मैं पैदा हुई। इस पेड़ को बहुत माना जाता है। आज मैं इस पेड़ को साक्षी मानकर कहती हूँ, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भर अपने दिल और जान से ज्यादा प्यार करती रहूंगी। तुम्हारे अलावा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। मरते दम तक तुम्हारा साया बनकर रहूंगी। प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस। कौन है तू? मैं रैम्बो हूँ भाई, दुर्गा मंदिर के एरिया का। पहचानने वाला है, विश्वास कर सकते हैं। 7 के बारे में आपको कुछ बताना था, अगर आप हाँ कहो तो मैं आपको बता दूंगा। स्पॉट और टाइम आप फिक्स कर लीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। शमशान मैं आज शाम को ही फिक्स कर देता हूँ। सिस्टर बोलो। स्पॉट फिक्स हो गया। कहाँ? शमशान में। टाइम? आज शाम को। ओके। हीरो जैसा लग रहा है। फिर तो मुझे इसी से बात करनी पड़ेगी। ओके, एक सवाल है आपसे। मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट। पर क्या करूं, जेब में हाथ डालते ही नो मनी, बगल में गर्लफ्रेंड है लेकिन बैंक बैलेंस 0। जैसे तुम्हारे दोस्त हैं वैसे दोस्त भी नहीं, फिर भी मुझे लाइफ में एंटरटेनमेंट चाहिए। लाइफ का एक ही मकसद है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ये पता करूं कि फ्री में एंटरटेनमेंट कैसे मिलती है। उसे कहते हैं मस्खरी, मस्खरी। और मस्खरी का मतलब क्या होता है पता है? इसे नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। मस्करी इसे कहते हैं। करूँ क्या? कर। हैं? इनसे मैं मुश्किल सवाल पूछता हूँ। ओके। ए फॉर एप्पल नहीं, ऐश्वर्या, वही जो अभिषेक के साथ रहती है। और बी फॉर बॉल। बी फॉर बैट होता है
और क्या होता है? चलो ये बताओ, मुझे तुम्हारी समझदारी देखनी है। सी फॉर कैट। थू, अभी तक ये पहली क्लास में पढ़ता है। सी फॉर चाटा, हाथ में उठा के छाता। ए, दू क्या? डी फॉर डॉग। ये तो समझ में आया तुझे, लेकिन डी फॉर होता है धुलाई। मुझे मजा आया, तुझे आया क्या? ई फॉर एलिफेंट की सूंड। एफ फॉर फिरौती। जी फॉर गुंडों को काट डालूंगा। कच 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 कच। वाई फॉर याददाश्त भुला दूंगा तेरी। जेड फॉर झंड कर दूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। और इसे कहते हैं मस्खरी, मस्खरी। बहुत मजा आया, चलो थोड़ा और मजा करते हैं। घूम के दूं क्या? सुन, अभी मैं तुझे एंटरटेन करूं क्या? तू करेगा? कल का बच्चा मुझे एंटरटेन करेगा? जानता भी है मैं कौन हूँ, और मेरे सामने बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। शरीर छोटा है लेकिन सर बड़ा है मेरा। आजा, आना, आजा, 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 आजा। उसका चेहरा क्या देख रहा है? मेरे से डर गया? एक फटका दूंगा ना तो खून निकल जाएगा इसका। रोएगा, आंसू निकलेंगे, वो भी खून के। अगर ज्यादा देखेगा तो नाक में उंगली दे दूंगा। बाप रे। भाई 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 भाई, मुझे माफ कर दो, इसके बाद मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब मैं चुप रहूंगा, चुप रहूंगा मैं। ए फॉर अंधा बन के रहूंगा। बी फॉर बैक तक झुक जाऊंगा। सी फॉर चुपचाप सलाम करूंगा। डी फॉर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा। ई फॉर एंटरटेनमेंट कभी नहीं कहूंगा और ना ही मैं करूंगा। के फॉर किसी से भी पंगा नहीं लूंगा, सुधर जाऊंगा। एम फॉर मुंह नहीं खोलूंगा। एस फॉर साइलेंटली यहाँ से चुपचाप निकल जाऊंगा। अब आजा, देखता हूँ। मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है, शमशान के पास तुम्हारा वेट करूंगी, आओगे ना? आऊंगा। तत्ता कौन था? उसी का, शमशान पे बुलाया है। तमतान पल? पर क्यों? पता नहीं। तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया सेविन? मेरा नाम अपने सीने पर लिखाने से लेकर डॉन के मर्डर तक तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। पहली बार तेरे लिए कुछ करने का मन किया, इसलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया। मेरे लिए तुम क्या करोगी? तुझे जो पसंद आता है तू वो कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, चुप रहूंगी। मैंने अय्याशी के लिए तुमसे प्यार नहीं किया था अनु, बल्कि आखिरी दम तक तुम्हारे साथ जीने के लिए प्यार किया। तुमने मेरे प्यार को हाँ कह दिया, बस इतना ही काफी है। इसके अलावा मेरी आखिरी सांस तक तुम यूं ही हमेशा के लिए मेरे साथ रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज के बाद अगर जीना है तो बस तुम्हारे साथ ही जीना है, और अगर मरना है तो बस तुम्हारी बाहों में मरना है।
सेवन की कहानी खत्म हो गई है। मैं चर्च में तुम्हारा इंतजार करूंगी। टाइम पे आना, हम शादी करने वाले हैं। सिस्टर, सेवन उसके हाथ से बचकर भाग गया। सिस्टर मेरा यकीन कीजिए, सिस्टर सेवन ने मुझे बहुत मारा और मैंने उसके साथ ऐसा धोखा क्यों किया? उसने मुझसे ये भी बुलवा लिया। तुम कहाँ हो ये बताने के लिए उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया और मैं ये सब नहीं सह पाया सिस्टर, और मजबूरी में मुझे तुम्हारा ठिकाना बताना पड़ा। सॉरी सिस्टर। भी हो जाए वो दोनों एरिया छोड़कर बाहर नहीं जाने चाहिए। सारा एरिया लॉक कर दो। हम भी बाइक से ढूंढ रहे हैं, वो जहां भी मिले उसे काट कर फेंक देंगे। हाँ रैम्बो, तुम कहां पर हो? ब्रिज रोड पर। तुम लोग कहां जा रहे हो? हम लोग ऊटी जा रहे हैं। सेवन लड़कों को इकट्ठा करके बंदूकें और तलवारें लेकर तुम दोनों को ढूंढ रहा है सिस्टर। इतना ही नहीं सिस्टर, तुम्हारे भागने वाले उसने सारे रास्तों पर अपने लड़के बिठा रखे हैं। अभी यहाँ से तुम्हारा भागना बहुत मुश्किल होगा सिस्टर। तो अभी क्या करना है? क्या तुम लोगों के पास कैश है? क्या कैश है? हाँ है। हाँ है। तुम दोनों एक काम करो, अजहर नाम का एक आदमी है, मैंने तुम दोनों के बारे में उसे सब कुछ बता दिया सिस्टर। जल्दी से जाकर तुम लोगों से मिल लो, वो तुम्हारी भागने में मदद करेगा। एक वही है सिस्टर जो इस वक्त तुम्हारी मदद कर सकता है। उसका नंबर बोलो। 9844386396। ओके रैम्बो। हेलो अजहर बात कर रहे हो? सर कैश। एरिया से बाहर कर दूंगा, काफी है? काफी है सर। बैठो। कोई गाड़ी तो आ रही है। अजहर भाई आप क्या रहे? बच्चे यहाँ क्या कर रहा है? सेवन ने बताया नहीं क्या? पता है सेवन को जिस लड़की ने धोखा दिया है वो यहाँ से जा ना पाए, इसलिए हमने नाकाबंदी लगाया है। ए, हम लोग भी उस लड़की को ढूंढने के लिए राउंड मार रहे हैं। जो कुछ भी हुआ हमारे सेवन के साथ अन्याय हुआ। सेवन हमारा आदमी है, उसके साथ अन्याय हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। सेवन के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, छोड़ना नहीं, एक भी गाड़ी को मत छोड़ना। सारी गाड़ी की चेकिंग करो। चल चल चल, मैं जाता हूँ, बाद में मिलता हूँ। एरिया पार कर लिया है, यहाँ से आधा किलोमीटर हाईवे, वहां से ऊटी के लिए चले जाना। बिल्कुल डरो मत, सेफ हो अभी, उतर जाओ।
भाई सेवन यहीं आ रहा है। मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दिया है और वो भाग गई। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मेरा साथ देगा अजहर? माँ कसम, वो कहीं भी मिली तो मैं उसे तेरे पास लाकर लटका दूंगा, काट कर फेंक देंगे, छोड़ेंगे नहीं। माँ कसम सेवन, तेरे लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, चल। सेवन के हर जगह नाकाबंदी डालने से पहले निकल जाओ यहां से। मैंने इनकी मदद की है, ये सेवन को पता नहीं चलना चाहिए। सुन लिया सेवन, सब कमीने हैं, किसी पे भरोसा मत करना। ए, क्या चल रहा है भाई? पेट्रोल तो है ना? चलो चलो जल्दी जल्दी बाइक पे बैठो, चलो जल्दी जल्दी करो जल्दी। सिस्टर हमें गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। ओह शिट। ओह नो। भागो भागो यहां से। क्या हुआ?
सब कुछ याद कर लिया ना? ऊटी कितने किलोमीटर है यहाँ से? आईबी के लास्ट से जाएंगे तो 50 किलोमीटर तक कम नहीं होगा। ऊटी पहुँचने के लिए बस 50 किलोमीटर बाकी है। दिल को थोड़ा मजबूत कर, उसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। चल के मतलब कुत्तों खा लो भाई, खा ना, उसके मिलने के बाद उसको मारने के लिए शक्ति चाहिए ना। जब तक मैं उसे मार नहीं देता कुछ नहीं खाऊंगा। चल पहले उसे ढूंढने ही चलते हैं। मैं भी नहीं खाऊंगा, उसे ढूंढ निकालेंगे, माल गिलाएंगे और उसके बाद ही खुद खाएंगे। चल उसे ढूंढकर मारेंगे तभी खाना खाएंगे। इनफॉर्मर सेवन के बारे में इसके पास क्लू है। बोल भाई, सेवन अभी ऊटी में, वहाँ पर आप जाओगे तो वो आपको जरूर मिल जाएगा। वहाँ क्यों गया है? उसको जिसने धोखा दिया है वो वहाँ ऊटी में ही है, बदला लेने गया है वो। पक्का ना? पक्का भाई, एकदम पक्का, वो आपको वहीं मिलेगा। 3 बजे ऊटी निकलते हैं। 257 गाड़ी को सर्विसिंग के लिए डालो, वेपन्स यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे। कोयम्बतूर में जो घर है वहाँ फोन करो, वेपन्स को ऊटी भेजने के लिए बोलो। हमने हर जगह ढूंढ लिया भाई, ऊटी का एक एक कोना छान मारा, वो कहीं नहीं मिले। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए भाई? ऊटी में कितने चर्च है? 3 तलते हैं। कल कौन सा दिन है? रविवार। कल वो जहाँ भी रहे पर प्रेयर करने के लिए चर्च में आना ही होगा। तीनों लोग अलग अलग चर्च में रहेंगे। आपका तरीका भाई? कहाँ?
तू टैबिन को जल्दी से बता, उसको जल्दी से यहाँ पर आने के लिए बोल। ठीक है चलेगा, उन दोनों को यहीं पर लेकर आना। तुम बता देते, टैबिन को बता दे। रोहित जहाँ वेट कर रहा है ना, उसी चर्च में है वो दोनों। उनको उठा के यहाँ लाने को बोला है, तुम भी यहाँ आ जाओ। आ रहा हूँ। तो जिंदा रहेगा क्या? ताबिन मिला फिर से फोन नहीं उठाला। किसी मुसीबत में होगा वो। होती में हमें कैसी प्रॉब्लम हो सकती है? अब ते बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। इतना ताबिन को हाल तली के तो बर्बाद कर दिया। एक बार और ट्राई करके देखना। कोई आखिरी इच्छा? इस दुनिया में कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ अन्याय नहीं करनी चाहिए, ऐसा ही करने की इच्छा है मेरी। अभी अगर मुझे मार दोगे या खत्म कर दोगे तो मर के मैं वापस जन्म नहीं लूंगा, लेकिन मुझे छोड़कर दुनिया में किसी प्रेमी के साथ ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ करूंगा, मुझे छोड़ दो भाई। अगर अभी मुझे मार दोगे तो वेस्ट बनकर मरूंगा, और छोड़ दोगे तो अब से दुनिया की हर लड़की जब भी लड़कों को धोखा देगी तो कम से कम 100 बार सोचेगी। ऐसा कुछ करना चाहता हूं, मुझे छोड़ दो भाई। अपना काम करके तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। खेल खेला है, मौत से नहीं डरता, लेकिन जिस लड़की ने धोखा दिया उसे कुछ किए बिना ही मरूंगा, इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। 2 मिनट के लिए छोड़ दो भाई। धोखा देकर भागी उस लड़की को, जो करना है वो करके वापस आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा। जो करना है कर लेना। यह 7 अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता भाई, प्लीज। मुझसे आखिरी इच्छा पूछी थी तो बता दी, छोड़ दो भाई प्लीज। Thank you.
जा। स्टेबल प्रॉपर्टी से ज्यादा मूवेबल प्रॉपर्टी बड़ी है, ये बात मुझे रियलाइज हो गई माय सन, और तू मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे खो नहीं सकता बेटा। एज ए फादर मेरे लिए सबसे ज्यादा तेरी खुशी जरूरी है। तू अपनी पसंद से जी, बट विद मी। तू जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसके लिए मैं और तेरी मम्मी मान गए हैं। आर यू हैप्पी? राहुल आर यू हैप्पी? वो लड़की कहाँ है? हे तैबिन का फोन है। ताए भाई इतनी देर से फोन क्यों उठा लेते? भाई जल्दी आ जाओ, हम हिल तो पड़ी हैं। भाई आ रहा है, अब दिखाएंगे तुझे। राहुल जैसे अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी। अच्छी लाइफ जीने के लिए मैंने ये रास्ता अपनाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कभी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। प्लीज मेरी ये जिंदगी तुम्हारी देन समझ कर जी लूंगी। छोड़ दो मुझे प्लीज।
मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। मेरी आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो। दे तो भाई, तो तन्ना था तल लिया, अभी नारा कर लाइए, लो लाइए। भाई आपके दांत इतने बहुत बुला किया, इधर तोड़ना मत, इतने बहुत घुमाया आपको, इसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए, इसको तोड़ना मत। भाई आपके दांत इतने बहुत बुला किया, कुछ भी होता है, कुछ भी बोले ये, इसको तोड़ना मत, इसके किए की सजा इसको मिलने चाहिए। भाई खड़े खड़े क्या देख रहे इसे, इसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, सोच मत, एक ही बार में खत्म कर दे। ए तबिन देख के लाए माल इसे। मैं खराब हूँ, मैंने गलती की है, तेरे साथ धोखा किया, पर तुम तो अच्छे हो ना, मुझे माफ कर दो प्लीज। ए तबिन क्या उसकी बकल बकल सुनना है, ले काटा उसे। मुझे मत मारना प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। अपना मुंह बंद रख, उसने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और तूने उसे धोखा दिया, अब बोल रही है छोड़ दो। ए सेवन खड़ा खड़ा क्या देख रहा है उसे, काट दे इसे, खत्म कर दे इसे। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुमने मुझे धोखा दे दिया। मुझे धोखा मिला इस बात का गुस्सा नहीं है, लेकिन इतना प्यार करने के बावजूद मुझे तुझसे कुछ नहीं मिला, इस बात का दुख है। सिर्फ मुझे एक किस दे दे, तेरे सारे सितम मैं भूल जाऊंगा। ए तबिन क्या बात कर रहा है, क्या कहानी सुना रहे उसे। अगर मैं तुम्हें किस करूं तो मुझे जाने दोगे क्या? किसके लिए हमने इतनी मेहनत की भाई, तेरे अंदर जो गुस्सा और बदले की आग जल रही थी वो कहाँ गए? भाई इतना तब होने के बावजूद तूने उसको ताने दिया, ये तो बिल्कुल गलत बात है। एक मिनट चुप हो जा। उसने मेरे साथ जैसे गेम खेल के धोखा किया, मैंने उसके साथ भी बिल्कुल वही गेम खेला, उसको किस के साथ जहर दे दिया। Let's go.